हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी का करंट अफेयर। देखिए, ये बुक है वार्षिकांक का, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों 650 एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है, और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 301 से 400 तक इसको हम पढ़ने वाले हैं सुपरफास्ट रिविजन के जरिए। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे वो ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम, जैसे कि CVT 2 भी होना है, NTPC CVT 2 SSC के एग्जाम के लिए बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस बुक में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। एक साल में जो भी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध घटनाएं हुई हैं दोस्तों, सभी यहाँ पर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, सभी समसामयिक की घटनाओं को यहाँ पर वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 18 मई को। ठीक है, 18 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 17 मई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 8 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? राइट आंसर इसका इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, पैसेज एक्सरसाइज ये हर तीसरे चौथे महीने में किसी न किसी देश के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर डेट लिखी है 8 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? आंसर है इंडोनेशिया। भारत की किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? राइट आंसर है नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? सही आंसर है नेपाल। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? इनका नाम है नीरा टंडन। ध्यान रखिएगा, नीरा टंडन को भारतीय मूल की हैं ये, इन्हें महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही आंसर है ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, ईगा स्वियातेक भी लिखा मिलेगा। इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता है। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब को जीता? सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2021 में पुरुष एकल खिताब को जीता है। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम रहा वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 17 मई को। 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है एंड्रिया मेजा। ठीक है, एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। वह प्रथम राज्य कौन है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है असम। ठीक है, वह प्रथम राज्य कौन है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? असम। भारतीय महिला क्रिकेट कोच के मुख्य कोच कौन बने हैं? देखिए, बात कर रहा है क्रिकेट की, तो ये बने हैं आपके रमेश पवार। ठीक है, रमेश पवार भी कहते हैं इनको, कहीं कहीं आपको रमेश पोवार भी लिखा मिलेगा। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत
स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? सही आंसर है झारखंड। ठीक है दोस्तों, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला? झारखंड को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात कर रहा है तो इसको मनाया जाता है 15 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। कौन सा स्थान पंजाब का नया जिला बना है, यानी कि 23वां नया जिला बना है? तो ये है मलेरकोटला। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा राज्य पंजाब का नया 23वां जिला बना है? तो उसका नाम है मलेरकोटला। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है, देश का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? शकुंतला हरके सिंह। ठीक है, शकुंतला हरके सिंह ने, ये भारतीय मूल की महिला हैं और इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। देखिए, भारतीय मूल की हैं ये। ठीक है, शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है इसका CBSE। ठीक है, CBSE बोर्ड के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। इनका नाम क्या है? बीजे वाटलिंग, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है असम। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ था। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा हुआ था। तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो राइट आंसर है केरल। ठीक है, केरल राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री थी KR गौरी अम्मा, और 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? सही आंसर है पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है पुडुचेरी। किस कार्य में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जल कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 12 मई को। हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है जोस जे कट्टूर। ठीक है, कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? जोस जे कट्टूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए, आंसर है इसका पुर्तगाल। ठीक है, 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? यूरोप ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 मई। ध्यान रखिएगा, 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत ने 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, इसको नाम दिया गया है A76। बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा समझ लीजिए, इसको समझ कह लीजिए है, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, उसको नाम दिया गया है A76।
हाल ही में किससे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, इनका नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ये, और इन्हें अप्रैल 2021 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? आंसर है उड़ीसा। हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? सही आंसर है असम। हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? असम। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मदर्स डे? तो देखिए, राइट आंसर है इसका मई महीने के दूसरे रविवार को। ठीक है, मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा कमिट। देखिए, इसका आंसर है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर है दोस्तों नाओमी ओशाका। ठीक है, नाओमी ओशाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो देखिए, स्पोर्ट्स मैन की बात कर रहा है ये, तो सही आंसर है राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन बी। और वुमेन में किसने जीता? नाओमी ओशाका। भारत में कोविड 19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है, इसे WHO ने क्या नाम दिया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि B1617। क्या है? B1617। भारत में कोविड 19 का नया वेरिएंट मिला जो कि विश्व के 44 देशों में फैल चुका है, और इसको WHO ने इसका नामांकन किया। हाल ही में बनराज भाटिया का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए, बनराज भाटिया ये एक संगीतकार थे। ठीक है दोस्तों, बनराज भाटिया का निधन हुआ, ये एक संगीतकार थे। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में भारतीय स्थल भेड़ाघाट और लमेता घाट का संबंध किस राज्य से है? तो ये है मध्य प्रदेश से। ठीक है, भेड़ाघाट और लमेत घाट, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस को 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने? तो चौथी बार दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, एन रंगास्वामी चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थी? राइट आंसर है अभिनेत्री। ध्यान रखिएगा, अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वे एक अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो राइट आंसर इसका भारत। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा? भारत। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, इनका नाम है M.K. Stalin। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? M.K. Stalin। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो इनका नाम है कामीरीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? कामीरीता शेरपा। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? पश्चिम बंगाल की। किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, रमेश पोखरियाल निशांक को। ठीक है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशांक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क सेल्वी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मार्क सेल्वी। इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? मई महीने के पहले मंगलवार को।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देश ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है इसका अल्बानिया। ठीक है दोस्तों, नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर रहा है, ये बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई इटली में। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों की पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? इटली में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो देखिए ये है श्रीलंका के क्रिकेटर। ठीक है, थिसारा परेरा ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। ठीक है, विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हुआ वे कौन थे? अभिनेता। बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टी रविशंकर। बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? टी रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसको मनाया जाता है 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है? सही आंसर है भारतीय नौसेना। किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? भारतीय नौसेना। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 2 मई को। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? 2 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की गई है? राइट आंसर है मणिपुर। ध्यान रखिएगा, ताजी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन किसने जारी की? मणिपुर ने। सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर इसका ब्रिटेन। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है? तो ये है चीन की। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो सही आंसर है चीन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 1 मई को। 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नीरज बजाज। ध्यान रखिएगा, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नीरज बजाज। वन्य अन्वेषक पुरस्कार यानी कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कृति करंता। ठीक है, कृति करंता वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रारंभ की गई योजना जिसका नाम है पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ वे कौन थे? राइट आंसर है पत्रकार। इम्पोर्टेंट नाम है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित सरदाना का निधन हुआ वे कौन थे? पत्रकार। भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है टीवी सोमनाथन। भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? टीवी सोमनाथन। सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली एस हिवासे। ठीक है, सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली एस हिवासे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। NCDEX के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका अरुण रस्ते। अरुण रस्ते NCDEX के नए MD एंड CEO बने हैं। पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा को कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? उड़ीसा। सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। सिप्री के अनुसार 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बना है? अमेरिका। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, एंथनी हॉपकिंस, इन्हें ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश बिंदल, ऑप्शन सी राजेश बिंदल कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों यरूशलम में। ठीक है, या हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? यरूशलम में। किस राज्य सरकार द्वारा क्लैप CLAP स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। किस राज्य की सरकार द्वारा CLAP स्वच्छ अभियान का प्रारंभ किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है गायक। पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ वे कौन थे? गायक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो देखिए, इनका नाम है PV सिंधु। ठीक है, इम्पोर्टेंट नाम है ये, PV सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई? तो इसका नाम है कोवीसेल्फ। ठीक है दोस्तों, कोवीसेल्फ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? कोवीसेल्फ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है इसका संगीतकार। श्रवण राठौर का निधन हुआ वे कौन थे दोस्तों? संगीतकार। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? राइट आंसर है सिक्किम। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सिक्किम में। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष बने। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो इनका नाम है बनीता गुप्ता। ध्यान रखिएगा, बनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस को कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेखा मेनन। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? रेखा मेनन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेवी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही आंसर है चांड। ठीक है दोस्तों, चांड देश के राष्ट्रपति थे ये, क्या नाम है इनका? इदरीस डेवी, और इनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? तो ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ठीक है, सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इनका नाम है अर्जुन कल्याण। ठीक है, 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस को कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, 22 अप्रैल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड होता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? सही आंसर है दोस्तों इसका 142वां, यानी कि ऑप्शन बी, 142वां स्थान मिला है भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो देखिए, प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।